हमारे पास ये है, ऑक्सीजन है इसके अंदर. अच्छा, नाइट्रोजन आपके कोर्स में नहीं है फॉर द टाइम बिंग, तो इसलिए हम नाइट्रोजन नहीं कर रहे हैं. ग्रुप 15 हम नहीं कर रहे हैं. क्लियर? यस ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्रुप 16. ग्रुप 16 की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम एंड पोलोनियम. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो वी हैव टू टॉक अबाउट द ऑक्सीजन ऑक्साइड्स एंड द वेरियस अदर एलिमेंट्स. नाउ बिफोर वी गेट अलॉन्ग विद इट, एक छोटी सी चीज़ हमारे पास आ जाती है जिसे हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. क्या आपको थोड़ा सा आइडिया है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बेटा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहती है डाउन द वो होता क्यों है? शील्डिंग की वजह से। शील्डिंग की वजह से. चलो सबसे पहले हम जरा इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात कर लेते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? इन्होंने पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों हटा दिए समझ में नहीं आता. पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से नाइट्रोजन क्यों हटा दिया? क्योंकि नियर अबाउट 30% तो नाइट्रोजन फैमिली ही है. चलो हटा दिए तो हटा दिए, इनकी मर्जी है. ओके, यहाँ पे हमारे पास ग्रुप 16 एलिमेंट्स आ गए. और अब हम बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है, जब हम बात करते हैं समथिंग कॉल्ड द इनर्ट पेयर इफेक्ट की, तो एक बात का ध्यान रखना, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द एनर्जी गैप बिटवीन द सब शेल्स ऑफ द सेम शेल इंक्रीज. मतलब ये कि 2s और 2p में गैप कम है, 3s और 3p का गैप उससे ज्यादा हो जाता है, 4s और 4p का गैप सडनली बहुत ज्यादा होता है, 5s और 5p का गैप उससे ज्यादा है, और 6s और 6p का गैप बहुत ज्यादा है. ये है हमारे पास बोरॉन, ये है हमारे पास एल्यूमिनियम, ये हमारे पास है गैलियम, ये हमारे पास है इंडियम, और ये हमारे पास है थालियम. ठीक है, गैलियम के पहले डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 10 डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स हैं. और यहां पर थालियम से पहले है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, थालियम से पहले है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. ओके, तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द अरेंजमेंट. तो यहां पे थालियम के अंदर एस और पी के बीच में गैप ज्यादा हो जाता है, गैलियम के बीच में एस और पी में गैप ज्यादा हो जाता है. तो जब हम बोरॉन और एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो बोरॉन एंड एल्यूमिनियम कैन शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओनली द कोवैलेंसी और सिंपली वैलेंसी ऑफ ओनली 3. तो बोरॉन और एल्यूमिनियम सिर्फ 3 की वैलेंसी शो करते हैं, वो 3 की इलेक्ट्रॉन ही तीनों इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं. ओके, या फिर आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओनली +3. लेकिन जब हम गैलियम की बात करते हैं, तो गैलियम हैज अ कैपेसिटी टू शो एंड फॉर्म अ कंपाउंड GaCl3 जो कि ज्यादा स्टेबल है, और साथ ही साथ वो कंपाउंड GaCl भी बना सकता है जो वंस अनस्टेबल है. तो GaCl इज एक्चुअली अ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि एस ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन इन द बॉन्ड फॉर्मेशन थोड़ा सा कम हो गया है. अब यहां पर अगर हम इंडियम की बात करते हैं,
तो इंडियम भी वही INCl3 बनाता है और INCl भी बनाता है. INCl इज लेस स्टेबल, INCl3 इज मोर स्टेबल, तो INCl इज अगेन अ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, लेकिन जब हम थालियम की बात करते हैं तो थालियम के अंदर हो जाता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. यहां पर TLCl है और TLCl3 है, तो TLCl इज मोर स्टेबल. तो TLCl3 इज एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, दैट्स व्हाट वी हैव एज द लैंथेनाइड कंट्रैक्शन एंड दैट्स व्हाट वी हैव एज द इनर्ट पेयर इफेक्ट. दैट इज द टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट टू शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टू लेस देन द मैक्सिमम ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ द एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पेयर. द वैलेंस शेल एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पेयर इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड द इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो दैट इज वॉट वी हैव एज द इनर्ट पेयर इफेक्ट. समझ में आ गया आपको? यस ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन अर्थ. ठीक है, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ पर. अर्थ क्रस्ट के ऊपर 46.6% बाय मास है और ड्राई एयर में 20.946% ऑक्सीजन है. क्योंकि अर्थ क्रस्ट की अगर बात करते हैं तो वहां पे जब हम सैंड की बात करते हैं तो वो भी ऑक्साइड है. तो इस वजह से अर्थ बिकम्स द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स. ये तो हमारे पास सिंपल सी है, कहां कहां पे क्या होता है. अच्छा, यहां पर ये एक एलिमेंट है लिवर मोरियम. कैन यू सी दैट? ये एलवी, एलवी इज अ सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट. और ये यहां पे इसका नाम आप याद रखिएगा, पता नहीं कोई क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 116. ये जो है इन्होंने एनसीईआरटी में इस बार ऐड कर दिए ये एलिमेंट्स, तो इस वजह से ये एलिमेंट्स मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम. तो हियर वी हैव द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स. एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, सल्फर 16, सेलेनियम 44. ये इनका कोवेलेंट रेडियस आप देख सकते हो. एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप द कोवेलेंट रेडियस इज इंक्रीजिंग क्वाइट ऑब्वियसली. लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हो तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द मिनिमम. इसका नेगेटिव चार्ज सबसे, इसका नेगेटिव यानी कि एनर्जी रिलीज सबसे कम है. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन जो है सबसे कम एनर्जी रिलीज करता है जब इलेक्ट्रॉन उसमें डाला जाता है, सबसे ज्यादा एनर्जी सल्फर रिलीज करता है. कैन यू सी दैट? दिख रहा है ना आपको? हेलो, सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, तो जवाब देते रहा करो वरना मुझे ऐसा लगता है कि कनेक्शन लॉस हो गया है. ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा है और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाती है. डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो डेंसिटी इज समथिंग एल्स. डेंसिटी के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर हम गैशियस डेंसिटी की बात करेंगे तो क्वाइट ऑब्वियसली एटॉमिक मास मोलर मास डिपेंडेंट है. लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं लिक्विड और सॉलिड डेंसिटी की. और अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पे सी जो है एट इज एट द मेल्टिंग पॉइंट, डी में रोम्बिक सल्फर है, हेक्सागनल ग्रे है मोनो, यानी कि डेंसिटी जब बता रहे हो तो आपको उसको सॉलिड स्टेट का फॉर्म बताना पड़ जाता है कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जैसे हम डाउन द ग्रुप आते चले जा रहे हैं, टेलुरियम तक तो बढ़ता है, फिर पोलोनियम का कम हो जाता है. पोलोनियम का कम इसलिए होता है कि बाकी सब में तो नॉन मेटल से नॉन मेटलिक कैरेक्टर है, पोलोनियम में मेटलिक कैरेक्टर, और डाउन द ग्रुप टेल्यूरियम से पेलोनियम में बात होती है मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की, वो रिड्यूस हो जाती है. बॉइलिंग पॉइंट सीधा सीधा ऑर्डर है, यहाँ पर भी वही टेल्यूरियम टू पोलोनियम बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, बाकी सब में इंक्रीज हो रहा है. ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता ही है, सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे सामने हैं. तो दैट इज वॉट वी हैव एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑफ दीज एलिमेंट्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज सीधी सीधी वो बातें हैं जिनके अंदर हम वी कैन एक्चुअली फाइंड इट आउट विदाउट डिस्ट्रॉइंग द सब्सटेंसेस. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हमें पता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने समझ लिया है,
कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से इसके अंदर एनर्जी कम रिलीज होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी हैव टॉक्ड अबाउट, फिजिकल प्रॉपर्टीज वी ऑलरेडी नो. ठीक है, बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की. तो पोलोनियम के अंदर तो ऑफ कोर्स वो मेटलिक है, तो इस वजह से वो माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से शो नहीं करता. ऑक्सीजन माइनस टू माइनस वन शो कर देता, पेरोक्साइड में माइनस वन है वैसे माइनस टू है. फ्लोरीन के साथ ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है. H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन है, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ हम O3 बना देते हैं, तो यहां पर ये ऑक्सीजन को भी O3 को एक ऑक्सीजन का ऑक्साइड मान सकते हैं. हैलोजन्स के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करता, बाकी सारे के सारे रिएक्ट कर सकते हैं, बाकी सारे के सारे कंपाउंड बनाते हैं. यहां पर इन्होंने H2S के इसकी बात करती है, एसिडिक कैरेक्टर की बात की है. एक बात का ध्यान रखना, जब हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर इज मोर बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर मोर. देखो अब एक बात का ध्यान रखना, हम बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर की, तो हमारे पास है H2O, H2S, H2TE, H2SE, H2TE और H2PO. देखो एक बात का ध्यान रखना कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है, और उसका एक्चुअल रीजन ये है कि जो ये नेगेटिव चार्ज है इट इज स्प्रेड मोर ऑन दिस. नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्प्रेड होता चला जाएगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होता चला जाएगा. तो यहां पे नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा स्प्रेड है, इसलिए वो स्टेबल होता चला जा रहा है. ठीक है, तो यहां पे सल्फर ऑक्सीजन से बड़ा है, सेलेनियम उससे बड़ा है और टेलूरियम उससे बड़ा है. यहां पर लेकिन इन्होंने जो रीजन दे रखा है एनसीईआरटी में, दैट रीजन इज मोर लाइक साइज बड़ा होता जा रहा है, तो इस वजह से डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी. ये वैसे आंसर सही नहीं है, पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ तो ऑफ कोर्स यू कैन यूज इट. अब हम बात करेंगे सल्फर के सोर्सेस की. सल्फर के सोर्सेस बहुत सारे हैं हमारे पास. अच्छा, थर्मल हाइट स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड, अगर हम यहाँ पे ग्रुप ये क्वेश्चन की बात करें 7.14, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. एक बहुत सीधी सी बात यह है कि स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. और यहां पर हम ये सीधी सीधी बात ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे आते चले जाते हैं स्टेबिलिटी कम होती चली जाती है, एंड वी फाइंड कि रिड्यूसिंग पावर ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. जैसे जैसे हम नीचे आते चले जाएंगे रिड्यूसिंग पावर ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीज करती चली जाएगी. तो ऑब्वियसली अगर हम यहां पे बात करेंगे तो H2PO विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और यहां पर H2O वुड बी द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. और ये सारे के सारे पूरे पीरियोडिक टेबल में वैलिड है. जैसे जैसे पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करोगे, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते जाओगे हाइड्राइड्स की रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करती चली जाएगी, उनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती चली जाएगी, चाहे वो 14th ग्रुप हो, चाहे वो 15th ग्रुप हो, 16, 17, 18, जो मर्जी ग्रुप हो, ये होता चला जाएगा.
Okay. So that is what we have as a reducing power of the hydrides. Now, I think ye bahut easy hamare liye batana ki why H2O is a liquid and H2S is a gas. H2O ke andar hydrogen bond hai. ठीक है, और H2S के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं है, और H2S के अंदर सरफेस एरिया भी बहुत कम है, तो इस वजह से H2S के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम हो जाता है. अब ऑक्सीजन के प्रिपरेशन के मेथड, हमारे पास ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकता है, Ke2O3 को हीट करके हम ऑक्सीजन बना सकते हैं. थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स लाइक सिल्वर ऑक्साइड को हीट करके उसको रिड्यूस कर सकते हैं, लेड ऑक्साइड को कर सकते हैं. अगर हम Pb3O4 की बात करते हैं, तो Pb3O4 actually is PbO twice of PbO dot PbO2. अब इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से भी लेड की प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल है, तो लेड प्लस फोर लेड प्लस टू में कन्वर्ट होना चाहता है, तो PbO2, ये PbO2 है, इसको अगर स्ट्रांगली हीट कर दिया जाए तो ये PbO में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो PbO2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू PbO स्ट्रांगली हीटिंग करने पर. सो दैट्स व्हाट वी फाइंड. अब यहां पर हमारे पास ये है. अब उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी अगर हीट कर दिया जाए तो आसानी से ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, और यहां पे H2O लिक्विड है ये. ओके, सो दैट इज वॉट वी हैव. और हमारे पास है ऑक्सीजन की, जब प्रिपरेशन की बात करते हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड द कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर. ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर. तो लिक्विड एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि एयर के अंदर 20% ऑक्सीजन है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगी लिक्विड एयर से. ये है इसका कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन. एंड प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन सारी की सारी चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है, बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाता है. और अगर हम एयर की बात करें तो एयर में ऑक्सीजन के तीन स्टेबल आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन 16, 17 एंड 18. तो तीन आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन हैं एयर के अंदर ही. तो सारे एलिमेंट्स के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर जाता है, गोल्ड प्लैटिनम को छोड़कर, नोबल गैसेज को छोड़कर, और वो भी सम नोबल गैसेज, ज़ेनॉन के साथ वो रिएक्ट कर सकता है. ठीक है, ये सारे के सारे इसके रिएक्शंस हैं. ये वाले क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं कि कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है. यहां पर अगर हम बात करें SO2 की, तो यहां पे V2O5 यूज होता है, इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस. और यहां पर जब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं, यहां पे दो तरह के रिएक्शंस पॉसिबल हैं. दो तरह के रिएक्शन में हमारे पास है, एक तो SO2 प्लस हाफ O2 गिविंग SO3 है. तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी हमारे पास आ सकती है प्लैटिनम की, या फिर हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है V2O5 की. तो इसे कहा जाएगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस. ठीक है, और अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो यहां पर हमारे पास कैटलिस्ट यूज किया जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर यह होता है लेड चैम्बर प्रोसेस. अगर लेड चैम्बर प्रोसेस की बात करते हैं, तो दिस इज समथिंग व्हाट वी कॉल एज होमोजेनियस कैटालिसिस. ठीक है, और यहां पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर दिस इज हेट्रोजेनियस. ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर हमारे पास कैटलिस्ट जो है सॉलिड स्टेट में है, और यहां पर हमारे पास ऑल द कैटलिस्ट द रिएक्टेंट द प्रोडक्ट NO के अंदर सारे के सारे गैसीय स्टेट में है.
ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास, ये तो हमें पता ही है कौन सा डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस हम कर ही सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एक वर्ड आ जाता है, बाइनरी कंपाउंड, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास दो वर्ड्स आ जाते हैं, एक आ जाता है डाई एटॉमिक और दूसरा वर्ड आ जाता है बाइनरी। डाई एटॉमिक का मतलब है टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डाई एटॉमिक। जब हम बाइनरी वर्ड की बात करते हैं तो इट इज टू काइंड ऑफ एटम्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट कुड बी अ मॉलिक्यूल और इट कुड बी अ फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल हो सकता है, ये फॉर्मूला यूनिट हो सकता है। तो यहां पे हम दो तरह के एटम्स की बात कर रहे हैं, ओके। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द बाइनरी कंपाउंड्स। तो यहां पर जब हम इन ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं तो दीज ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन के साथ दूसरा एक एलिमेंट है, जैसे H2O, H2O इज अ बाइनरी कंपाउंड, क्योंकि यहां पे एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तरह के है, लेकिन वो ट्राई एटॉमिक है। तो आई बिलीव आपको बाइनरी और ट्राई एटॉमिक का फर्क, बाइनरी और डाई एटॉमिक का मतलब समझ में आ गया। तो यस यहाँ सर। पे हमारे पास ऑक्साइड्स जो है सिंपल हो सकते हैं या मिक्स्ड ऑक्साइड हो सकते हैं, दीज आर मिक्स्ड ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे लेड +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे आयरन +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये हमारे पास मिक्स्ड ऑक्साइड है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास अलग अलग ऑक्साइड्स है, यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड है, SO2 है, ये एसिडिक ऑक्साइड है, पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो ये सारे के सारे, देखो अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो ऑक्साइड्स हमारे पास तीन कैटेगरी में आ जाते हैं। हमारे पास ऑक्साइड्स आ जाते हैं, ऑक्साइड बल्कि तीन भी नहीं, चार कैटेगरी में आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड की। न्यूट्रल ऑक्साइड अगर देखा जाए तो हमारे पास कुल मिला के तीन ऑक्साइड है जिनको न्यूट्रल कहा जाता है। एक है हमारे पास NO, एक है हमारे पास N2O और एक हमारे पास है CO। H2O एसिडिक बेसिक न्यूट्रल एम्फोटेरिक में मेनली आता है, बट हाँ H2O को भी हम न्यूट्रल ऑक्साइड कह सकते हैं, क्योंकि H2O इज द रेफरेंस फॉर एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। बाकी ये तीन ऑक्साइड्स अगर आपको कहीं पे एग्जाम्पल ही लिखना हो कि न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सा है तो इन तीन का एग्जाम्पल देना। बाकी अगर हम नॉन मेटलिक ऑक्साइड की बात करें, अदर देन दीज थ्री ऑल नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक, ठीक है। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड की तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम एसिड ये मेटल ऑक्साइड की बात करते हैं तो मेटल ऑक्साइड कैन बी बेसिक, कैन बी एसिडिक एंड कैन बी एम्फोटेरिक। जैसे कि ये एम्फोटेरिक की बात करें तो एम्फोटेरिक के अंदर हमारे पास Al2O3 आ जाता है, ZnO आ जाता है, और भी बहुत सारे हैं हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड के अंदर भी आ जाता है, जैसे कि CrO3 है, एसिडिक है, Mn2O7 है, एसिडिक है। तो दीज आर एसिडिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड ऑब्वियसली है अल्कली मेटल, अल्कली इनर्ट मेटल के सारे बेसिक ऑक्साइड है, लेकिन हाँ BeO एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आ जाता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स हो जाते हैं। बेसिक ऑक्साइड भी हमें पता है, मेटल ऑक्साइड्स जनरली बेसिक ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड कुछ एम्फोटेरिक हो जाते हैं, जैसे कि Al2O3 एम्फोटेरिक है। ये हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, एज आई टोल्ड यू। तो ये ध्यान रखना है, NCERT ने भी इन्हीं तीनों को न्यूट्रल ऑक्साइड माना है। ओजोन इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है। यहां पे हमारे पास है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब ये है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं जिनके बीच में कोई स्पार्क नहीं हो रहा, और इसके थ्रू ऑक्सीजन को पास किया जाता है।
तो यहां पर हमें ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मिल जाता है, यानी कि ऑक्सीजन मिक्स्ड विद ओजोन. तो दिस इज व्हाट यू हैव एज ओजोनाइड ऑक्सीजन, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन जो यहां पर बन जाता है. ओके ओके. तो ओजोन की प्रॉपर्टी है पेल ब्लू गैस है, डार्क ब्लू लिक्विड है, वायलेट ब्लैक सॉलिड है, और इसके अंदर स्मॉल कंसेंट्रेशन, लेकिन अगर ये कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है ये पॉइजनस है, ये बहुत ही पॉइजनस गैस है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. और ये एक थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन इज एक्सोथर्मिक. ठीक है, ये है ओजोन का एस्टिमेशन. दिस इज एस्टिमेशन ऑफ ओजोन. हाउ कैन ओजोन बी एस्टिमेटेड? ओजोन कैन बी एस्टिमेटेड बाय द रिलीज ऑफ आयोडीन. ठीक है, ये हमारे पास ये मेथड है. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बहुत रैपिडली ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसको डिकम्पोज कर देता है. तो ओजोन होल का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. यहां पर ये जेट एरोप्लेन्स आर नेसेसिटी, लेकिन ये ओजोन होल क्रिएट कर रहे हैं. ये देखो यहां पर प्रॉबेबली है और यहां पे एश्योर्ड है. ठीक है चलो, लेकिन फिर भी वी आर मोर बॉदर्ड अबाउट द के सी एफ सीज. ये यूजेज हैं ओजोन के, कोई दिक्कत नहीं है. अब सल्फर की बात करते हैं. सल्फर के अंदर हमारे पास अलोट्रोपिक फॉर्म है, दैट इज अल्फा सल्फर, जिसे रॉम्बिक सल्फर कहा जाता है. रॉम्बिक सल्फर इज द मोस्ट ईजिली अवेलेबल सल्फर. तो स्टैंडर्ड फॉर्म सल्फर का रॉम्बिक सल्फर है. मोनोक्लिनिक सल्फर इज फॉर्म्ड एट अ हायर टेम्परेचर. ओके, तो यहां पर ये कार्बन डाइसल्फाइड में दोनों ही सॉल्युबल हैं. अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस की, तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस विच आर नॉन पोलर आर सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर वो सॉल्युबल हो जाते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास सल्फर की प्रॉपर्टीज आ गई है. ये सल्फर की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं. अब देखो इसके अंदर क्या होता है. हमारे पास एक सल्फर का ट्रांसफॉर्मेशन है. व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सल्फर? हमारे पास है S8. इसको हीट कीजिए, ये बन जाएगा लिक्विड सल्फर. ठीक है, लिक्विड सल्फर को हाई टेम्परेचर पर ही सॉलिड बन जाएगा. अगर इसको हाई टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई कर दोगे तो ये बन जाएगा S8 मोनोक्लिनिक. अब अगर इसे फर्दर हीट किया जाए तो ये बन जाएगा सल्फर S8 लिक्विड, और स्ट्रांगली हीट किया जाए तो ये सल्फर बन जाएगा. अब ये सल्फर S8 नहीं होगा, ये सल्फर बन जाएगा प्लास्टिक. ये है ब्राउन विस्कस लिक्विड. अगर इसे फर्दर हीट किया जाए तो ये बन जाएगा सल्फर गैशियस. और गैशियस फॉर्म में सल्फर S2 है, और फर्दर हीट करने पर ये S4 S6 S8 इनमें कन्वर्ट हो जाता है. तो सल्फर के अंदर एक बहुत ही टिपिकल सा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जैसे जैसे हम इसको हीट करते चले जाते हैं. तो सल्फर इज एबल टू शो अ टिपिकल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, ओके.
अब यहां पर हमारे पास अलग अलग सल्फर के हैं, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आ चुका है पहले भी और ये आईआईटी में भी आ चुका है, ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी आ चुका है कि कौन सा एलिमेंट है जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर देता है। तो सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। नाउ ये है सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। इसमें तो पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। यहां पर हमारे पास है, आप ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर की बात करते हैं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास दे रखे हैं, दी स्ट्रक्चर्स दैट यू आर सपोज टू लर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। अब सल्फर के, हमने सल्फ्यूरिक एसिड के कॉन्टैक्ट प्रोसेस की हमने बात कर ली थी। जब सल्फ्यूरिक एसिड के कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बनाते हैं SO2+ ½O2। इसे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या V2O5 के प्रेजेंस में ट्रीट किया जाता है, ये बना देता है SO3। अब SO3 को डायरेक्ट पानी में डिजोल्व नहीं करते, इसको डिजोल्व करते हैं H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में। जब सल्फ्यूरिक एसिड में इसको डिजोल्व किया जाता है तो ये बना देता है H2S2O8 विच इज कॉल्ड ओलियम। वो ओलियम कह सेवन, सकते, हाँ जी वो 7 होता है सर। हाँ ठीक है, सॉरी यू आर राइट विद इट, इसे O7 कहते हैं। मैंने मार्शल एसिड का फॉर्मूला लिख दिया था, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। इसको अगर हम, अब इसके अंदर हम पानी डाल के इसको रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट इज वॉट वी हैव एज थिंग। अब यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड में इसको डिजोल्व किया है, SO3 को हमने सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व किया है, क्योंकि अगर इसको पानी में डिजोल्व कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट हो जाएगी। SO3+H2O गिव्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, सो दैट फॉर्म्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट, इट फॉर्म्स अ सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट, ठीक है। तो ये इसके साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से इसको हम पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं करते, क्लियर। तो ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ रिएक्शंस हैं। कैसेरेट सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये हमें पता ही है। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा यूज होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है, बैटरीज में इस्तेमाल होता है। तो जब कैल्शियम फ्लोराइड के अंदर डालोगे तो वो हाइड्रोजन फ्लोराइड बना देगा। ये हमारे पास है सल्फर की। अच्छा, मैं सेलेनियम की एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको। जब हम सेलेनियम की बात करते हैं तो सेलेनियम, आपने कभी अपने जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर के अंदर एक ड्रम होता है ना, ड्रम जिसके ऊपर प्रिंटर पे ड्रम चलता है लेजर प्रिंटर्स के अंदर, तो इट इज यूज्ड टू मेकिंग फोटो रिसेप्टर्स। इट इज यूज्ड इन मेकिंग फोटो रिसेप्टर्स इन द ड्रम्स, वो जो ड्रम्स होते हैं उसके अंदर फोटो रिसेप्टर बनता है, यानी कि फोटो कॉपियर्स में। तो फोटो कॉपियर्स के अंदर ये ड्रम जो बनता है वो SE कोटेड एल्यूमिनियम का बनता है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स हमारे पास फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटाइन है, ये हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे अबंडेंट हैं, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन कम अबंडेंट है। ये तो सारी की सारी चीज़ें हमें पता ही हैं। ये हमारे पास एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं हैलोजन्स की। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं है दो मॉलिक्यूल के बीच में, यहाँ पे सिर्फ वीक वैन डर वाल्स फोर्स है। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाएगा, एंड एज वी कैन सी डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, एज वी कैन सी द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, कोई इसमें शक है ही नहीं। बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, एक बात का ध्यान रखना, क्लोरीन की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, वही फ्लोरीन का एक्सेप्शनल बिहेवियर हो जाता है। तो फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी आयोडीन से थोड़ी सी ज्यादा है, बाकी दोनों ब्रोमीन और क्लोरीन से कम है। ये इनके रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स है, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ ऑल क्वाइट ऑब्वियसली। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास आ गई है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज यू कैन सी क्लोरीन की सबसे ज्यादा है। क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एंड गेन एंथैल्पी, दैट इज मोस्ट एनर्जी इज रिलीज्ड, फ्लोरीन की सेकेंड नंबर पर है, ठीक है।
आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज यूजुअल डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती चली जाएगी, आयोनिक रेडियस इंक्रीज करता चला जाएगा, कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज करता चला जाएगा, बाकी सब कुछ तो वो नॉर्मल ही है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करनी है और बॉन्ड एनर्जी की बात करनी है, दैट इज अ लिटिल डिफरेंट। पर शायद हमें वो भी एक्सेप्शंस नहीं लगते क्योंकि हमें पहले से ही पता था ऐसा तो होना ही था। ओके, देन वी कैन टॉक अबाउट द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी, ये Cl2 की या Br2 की, तो Cl2 और Br2 पानी के साथ रिएक्ट कर देते हैं एंड दे डिसप्रोपोर्शनेट। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब ये है दे फॉर्म HCl अलॉन्ग विद HOCl। यहाँ पर भी ये बना देगा HBr प्लस HOBr, ठीक है। दीज आर वॉट वी कॉल एज हाइपोहैलस एसिड्स, दीज आर कॉल्ड हाइपोहैलस एसिड। दिस इज वॉट वी हैव एज हाइपोक्लोरस एसिड और ये है हाइपोब्रोमस एसिड। So that is what we have as hypohalous acids. ठीक है, तो ये हैलोजन का disproportionation reaction है। फ्लोरीन के anomalous behavior है। अब एक छोटा सा question है, simple सा। हमारे पास है HF, हमारे पास है HCl, हमारे पास है HBr, हमारे पास है HI, ठीक है। कैन यू टेल मी इन सब में से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है और लोएस्ट किसका है? जल्दी से बताओ। HF का हाईएस्ट, HF का हाईएस्ट है। और एट लोएस्ट HI। गलत। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है HF ग्रेटर देन HI, ग्रेटर देन HBr, ग्रेटर देन HCl। HF का हाईएस्ट क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। HI का उसके बाद क्यों है? इट इज द सरफेस एरिया। बाकियों में सरफेस एरिया कम है। HCl में ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना ही सरफेस एरिया है, तो इस वजह से HCl का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, HCl का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम हो जाता है। तो HCl हैज द हाईएस्ट, द लोएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अच्छा, हमारी क्लास आज 8:30 तक की है ना, ठीक है, ओके। चलिए तो हम यहां पे आगे बात करते हैं इसकी फर्दर। तो दिस इज व्हाट वी हैव एज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये हमारे पास आ जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वेरियस कंपाउंड्स। ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव एज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। हैलोजन्स जो हैं काफ़ी सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं हैलोजन के साथ, लेकिन सारे के सारे अनस्टेबल है, कोई भी इनमें से स्टेबल नहीं है, ठीक है। ओके, ये सारे के सारे इनके ऑक्साइड्स की बात है। हैलोजन सारे के सारे मेटल के साथ रिएक्ट करके सारे के सारे हैलाइड्स बना देते हैं। ये इनके प्रॉपर्टीज हैं।
चलिए एक छोटी सी बात और करते हैं. वी टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन. ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन के हैलाइड्स हैं, हमारे पास एच एफ है, एच सी एल है, एच बी आर है, एच आई है. तो दीज आर द नॉर्मल एसिड्स ऑफ ऑक्सीजन. फिर हमारे पास है एच ओ एफ, एच ओ सी एल, एच ओ बी आर एंड एच ओ आई. नाउ यहाँ पे फ्लोरीन माइनस वन है, हाइड्रोजन प्लस वन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाता है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, फ्लोरीन की माइनस वन है. तो यहाँ पर बाकियों में ये ऑक्सीजन माइनस टू है, क्लोरीन प्लस वन है. तो बाकी ऑक्सीजन एसिड्स में, बाकी हैलोजन एसिड्स के अंदर, ऑक्सी एसिड्स के अंदर हैलोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है. एच ओ एफ बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है. ये सिर्फ एकेडमिक कह सकते हो कि हाँ एच ओ एफ एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एच ओ एफ तो ऑलमोस्ट एग्जिस्टेंट ही नहीं है. ये माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे आइस के अंदर रखोगे तो एच ओ एफ बनता है. इसके अलावा फ्लोरीन के और कोई एसिड्स नहीं है, ऑक्सी एसिड्स नहीं है. यहाँ पर हमारे पास एच सी एल ओ टू भी बन जाता है, जिसे एच ओ सी एल ओ लिख सकते हो. एच बी आर ओ टू है, एच आई ओ टू है, दिस इज हैलस एसिड. जैसे इसे क्लोरस, ब्रोमस, आयोडस एसिड बोला जा सकता है. फिर उसके बाद हमारे पास है एच सी